शादी के 14 साल बाद में, और 23 साल तो ओपरा था, पहले तो ओपरा ठीक होया इनका, और फिर शादी के 14 साल बाद में इनके बच्चे हुए। जो लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों फिलहाल बैठे हैं बड़ौता धाम में बाबा भोले के दरबार में, बाबा भोले का दरबार इधर सजा हुआ है। बाबा जी आज वह एतवार का दिन है, ओपरी प्राय भूत प्रेत बाधाएं जो भी मानसिक संकट होते हैं उन सभी का निवारण यहाँ पर आज के दिन किया जाता है, और झाड़ा भी जो आ जाते हैं उनको झाड़ा भी लगाते हैं आज भाई, किसी भी बीमारी का किसी भी रूप में जो भी है वो झाड़ा भी लगाया जाता है। तो कुछ झाड़ा लगा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ओपरी प्राय का जो इलाज है वो कैसे होता है और किस प्रकार भाई मिनट में छोड़ की भाग जाए भूत प्रेत यहाँ से। तो हमारे पास फिलहाल बहन जी बैठी हैं, कर इनसे पूछेंगे कि विशेष रूप से कोई मैंने काफ़ी दिन से मैं आपको दिखाता रहा हूँ, आज भी कोई विशेष बात है इनसे, तो पूरी देखी वीडियो को लाइक आखिरी तक। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। कहाँ से हैं? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से, तो आप यहाँ कब से आ रहे? मुझे यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा जी, तो यहाँ किस लिए आए थे, आपके क्या समस्या थी? पहले तो जी ओपरा था मेरा। अच्छा जी। फिर औलाद यहीं से मिली है जी। अच्छा, पहले तो ओपरा था, कितनी साल से था ओपरा? 23 साल से था। 23 साल से ओपरा था। हाँ जी, शादी के तुरंत वो ठीक हुआ पहले। हाँ जी। अच्छा, औलाद यानी संतान कितनी साल से नहीं थी शादी के, कितनी साल? 14 साल बाद हुए जी। 14 साल हो गए थे शादी को। हाँ जी। 14 साल में बच्चे हुए। हाँ जी। ये रे दोनों। अच्छा, 10-10 साल के हो गए? 9 साल के? 9 के हो गए। 9 के हो गए। तो देखिए भाई शादी के 14 साल बाद में, और 23 साल तो ओपरा था, पहले तो ओपरा ठीक होया इनका, और फिर शादी के 14 साल बाद में इनके बच्चे हुए। जुड़वा है कैसे हैं अलग अलग? अच्छा बोलो। हाँ, क्या नाम बेटा? लक्ष्य। अक्षय। लक्ष्य। अच्छा, तो अब आप वैसे खुशी से आते हैं या फिर और भी कोई समस्या? ना जी, खुशी से आते हैं। कोई समस्या नहीं है? नहीं जी, सारी समस्या ठीक होगी। ठीक है जी। अच्छा, नाम क्या है आपका? नीतू। नीतू, कहाँ से जी आप? रबड़ा गांव से। रबड़ा से। हाँ। के तकलीफ है जी? गर्भावस्था आना पड़ा है जी, कई बार जाइए हमें। तो गर्भावस्था है कि बताएगी बाबा? सच्ची बताओ सारी। अच्छा। हाँ, झूठ नहीं बोल दे कती माड़ी है भी। आप किसे ही बताइए? हाँ सही बताओ। है एक बार नहीं आ लिया, कई बार आ लिया हम। कई बार आ लिए। हाँ, जो भी बताओ सही। ये बात नहीं है, ये है वो है ना, कती सच्ची बोलना है। गड़न कौन मारता? ना 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 ना, मतलब झूठ तो नहीं बोलती है। हाँ, रुपये कितने लिए? क्या भर गया है रुपये की कोई ना लंदा एक रुपया भी। अच्छा। हाँ, प्रसाद चढ़वा चढ़ाओ है अपने माने से। और तो न्यारे तो कौन मांगा लुक की करी? ना ना ना, मतलब भी नहीं। हाँ सही बात। सही। नाम आपका? हरि सिंह। क्या समस्या? 15 साल का लड़का बीमार था। बीमार था? हाँ। किस समस्या तेरा कर दी इसका? कुछ न कुछ चीज शरीर पर चढ़े थी, बोल नहीं थी। अच्छा, 15 साल लगातार हो गए? 15 साल हो गए थे। अच्छा। हरी बार मामने चौथा इतवार है। अच्छा। पहले इतवार ने भगत जी ने कहा था कल न काम पर लग जाए, कल तो काम पर लग रहा हमारा। अच्छा, सोमवार ने काम पर लग गया था? हाँ, सोमवार ने काम पर लग गया। एतवार आंधी नहीं कही थी, कल न काम पर लग जाए। सोमवार ने एतवार ना आया, सोमवार ने काम पर लग गया। काम पर लग गया। अच्छा। हाँ जी। तो बड़ा चमत्कार होता है, तो बड़ा चमत्कार हुआ 15 साल से बीमारी कट गई एकदम। चमत्कार में कसर नहीं रहा, आंडन में भी कसर नहीं रखी, बालाजी तक धक्के खाए 5-4 बार तो। अच्छा। हाँ जी। तो देखो समस्या और जवान छोरो समस्या हो तो आंडन मत के कमी छोड़ देगा आदमी, मतलब जितना भी पीसा हो वो भी लगा देगा, कमी नहीं छोड़ता अपनी तरफ का आदमी। हम ना अपनी तादाद से फालतू ब्याज पे भी ठट्ठा कर लाए हैं, फिर छोरे कामयाब भी नहीं है। और उड़ान तो होगी इस बाबा की मेहर है। अच्छा, तो बाबा किम पीछे पैसे भी लिए होते? ना, मार पर कुछ पीछे नहीं लिए इसमें। अच्छा। हाँ। बस आओ दरबार में खुशी से आओ तो। हाँ, हाँ खुशी से माथा टेको, अरे 10-20 रुपया जो है प्रसाद आवे। प्रसाद तो देखो हम हर मंदिर में कहीं भी जाते हैं चढ़ाते ही हैं, वो तो अलग बात। बाबा ने अपने मुँह तनु का दान पात्र में डाल दो कुछ जी, वो हमारी मर्जी है। बिल्कुल। बाबा ने अपने मुँह को मर तनु भी कहा दान पात्र में कुछ डाल दो। बिल्कुल। ना कुछ मांगा, ना कोई कपड़ा, ना कोई लत्ता, सिर्फ एक 10-20 रुपया प्रसाद माथा टेक ले। बस सही बात है। सो ठीक सही टाइम कल का भगवान ने बेरा। तो देख लो भाई, यानी कि जब जवान बच्चा तकलीफ में हो बीमार हो तो आदमी क्या नहीं करता। इसने 15 साल कोई जगह नहीं छोड़ी, बालाजी मेहंदीपुर सब जगह गए हैं ये, और लेकिन यहाँ पर एक एतवार आए, पहले एतवार आते सोमवार को काम लग गया लड़का, तो बहुत बढ़िया सारी बीमारी इनकी कट गई। तो भाई साहब अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है? ना ही कोई नहीं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो ऐसी समस्याएं हैं और इसलिए हम ये सच दिखाने के लिए आते हैं भाई,
लोगों की बात लोगों तक पहुंचे। हम किसी चीज की पुष्टि नहीं, हम नहीं कहते कि बाबे में शक्ति है, किस में देवता में है, पता नहीं कुछ तो है यहाँ पर जो लोग ठीक होते हैं आने। डॉक्टर कह देते थे इसके मानसिक तनाव है, ये है वे है, दुनिया भर के पीछे डॉक्टर लेके थे सियाने वो पेंदो रजान थे, कोई कुछ बता दे कोई कुछ बता देता, ये बिल्कुल ठीक है ना मम ननू बेरा पटिया कित गई वा ऊपरी कित गए वे भूत प्रेत। क्या बात है, हाँ सही बात है। इतवार ना के सुमर ने सो भी जुमा खुलेगा अब तक काम पलाग रहा, कोई हरकत नहीं दोबारा इब तक। तो ये देख लो भाई, ये है चमत्कार, इसे कहते चमत्कार। और चमत्कार के हो भाई, सीधा कि सामने भगवान खड़ा को नहीं आग रहे, ये भगवान ही है जिनके अनुयायी, जिनके जो मतलब भेजे हुए लोग जो हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके एक संदेशवाहक जो बैठे हैं यहाँ पर, उन्हीं के द्वारा करते हैं काम, इन्हीं के माध्यम से इनका काम देखो आते आते हो गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अचंभित करने वाली कि जचे नहीं लोगों के, तसल्ली नहीं होती, इसलिए हम पूछते हैं कि भाई देखो तसल्ली करवाने के लिए पूछते हैं। और भाई कोई है के निकी पहली बार आओ तो तू निगाह चुराओ था, इसका मतलब पहली बार को नहीं आया, हम तो आँख देख के बता दें भाई झूठ बोल रहे, तीन चार बार आ लिया। अच्छा तो देखिए हम मजबूर नहीं करते किसी को कैमरे के सामने आने के लिए, लेकिन जो बात सच है वो बतानी चाहिए, जनता तक सच्चाई जानी चाहिए, झूठ न चली जा। नू झूठे हमें इनके दो चार रिश्तेदार इनके बुला लू, दो मेरे बुला की मैं बना सकूँ वीडियो, लेकिन हम इसीलिए जनता के बीच में पूछा हाँ कि भाई सच लोगों तक जा, सच्चाई की है वास्तव में। तो आपके क्या समस्या थी? सुनो वो सारी बीमारी ही थी, उसमें राम है ही, आराम घर वाली जा, इनको लेके आए भाई ने ले आया, इनके क्या समस्या? ददरी दे ले आया हमें भाई ने। अच्छा क्या समस्या इनको? इसका घर में ज्यादा दिक्कत है, पहली बार ले आया? हाँ पहली बार ले आया। तो इसे इस पड़ी से क्या समस्या लेके आया? फिलहाल तो शरीर में दर्द है, दर्द ये गर्दन में, ये सारा। कितनी साल से है ये? पता नहीं सर्वाइकल है क्या है, काफ़ी दिन से है, दो चार साल, पाँच साल। हाँ और ये जो है ना, ये बाल यहाँ गांठ सी बन रही है। अच्छा गांठ बन रही है। हाँ जैसे खांसी हो ना तो यहाँ दर्द होता है। हाँ दर्द हो है, चालना जी भी दर्द हो है, बैठे जी भी। हाँ थोड़ा ये खिंचाव हो रहा है ना। तो यहाँ आने से, बैठ जी, यहाँ आने से कोई थोड़ा बहुत आराम? अब दिखाएंगे। अच्छा आए हो आप? हाँ चलो अगली बार मिलते हैं आपसे, कितना फर्क होता है जरूर बता के जाइयो मेरे को, ठीक है? देव सर तेजवाणी। हाँ भिवाणी। अच्छा तेजपाल नाम है? तेजपाल नाम है। तेजपाल जी हमारे देव सर धाम में बैठे हैं। हाँ हाँ जी। घर की समस्या थी। अच्छा वह बाबा दिखाई थी। अच्छा ठीक है जी, वह समस्या खत्म होगी? खत्म होगी। हाँ बेटी कम दिखाई थी, अब रितु नाम है, दो वर्ष शादी करी थी जी, मंगली पाई गई है। अच्छा। तो बाबा ने उपाय बताया है, बाबा ने करे भी है। अच्छा। तो देखो वो उपाय तो थोड़ा जल्दी सी धीरे धीरे काम करते हैं उपाय। हाँ। है ना, क्यों मांगलिक है उसका। हाँ। मांगलिक का जो सिस्टम होता है। हाँ। थोड़ा लंबा चलता है प्रोसीजर। हाँ। और दो बार शादी विफल हो गई, शादी विफल हो गई जी। अच्छा भगवान अब की बार ठीक करेगा, अच्छा करेगा, और हम चाहते हैं। तो आपके जो घर की समस्या थी वो ठीक होगी? हाँ बाबा ने घर की समस्या दूर कर दी। अब बाबा का आशीर्वाद है, भगवान ने चाहा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है बहुत बढ़िया जी। तेजपाल जी मेरे मित्र हैं जो देवसर धाम माता रानी के मंदिर में बैठते हैं ना, जो मैनेजर के रूप में बैठते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ। तो वो अच्छे मित्र हैं मेरे, देवसर धाम से जाता हूँ मैं, जुड़ता हूँ माता रानी के दरबार में जाते हैं हम। हाँ तो बहुत बढ़िया। तो भाई देवसर भिवाणी से हैं। हाँ और मेरा जिला है भाई। हाँ और जो देवसर की माता है वो हमारी मतलब यूँ का अगर है ना पैतृक कुटुंब। हाँ और पारिवारिक देवी है हमारी। हाँ तो धन्यवाद जी। दिखा बाबा चेक करांगे, देखांगे हमी मारा हाथ लाए बिना हमें मानना नहीं ईब तो रड़क दी को नहीं भाई, कड़े कड़ची थी भाई। अच्छा ईब से के तो देख लो इब झड़ा लांदी इब गायब होई के ना कल हो जाए कल तीसरी फेरी आ लीजिए। अच्छा दूसरी फेरी है तीसरी। तो भाई बहुत खुशी की बात है, छोटे से बच्चे का देखो तीन गांठ थी और बिल्कुल खत्म हो गई। नहीं होता अभी नहीं था जी, बस गांठ थी। अब गांठ खत्म होगी? हां जी। तो ये देख लो भाई तीन रिसोली थी उरे और अभी हाथ लगा के भी देख लिया और इनकी मम्मी है जो कह रही है कि बिल्कुल खत्म होगी। तीसरा है झाड़ा, आज दो झाड़िया में, पहले झाड़े में होगी थी मेरे ख्याल तो बाबा तो हैं। तो तीसरा झाड़े में आज बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल निशान भी ऐसा भी नहीं है, मामूली सी भी रड़कती हो। तो हम तो भाई यहाँ जो सच होता है जो सामने जनता के वही दिखाते हैं, हम हमारे घर तो नहीं बनाते कुछ भी,
अब क्या शक्ति है बाबा में, है भोले बाबा की है, माता की है, जो भी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा चमत्कार है यहाँ जो आते ही लोग ठीक हो जाते हैं। भूत प्रेत बाधाएं दिखाऊंगा मैं आपने, भूत प्रेत बाधा की भी देखी किस प्रकार से अचानक इतना चिंगरोड़ी चीज रहे एकदम तो शांत हो जाए, तो ये भी दिखाऊंगा आपने मैं। और नुके है बाबा एक बार जो आ गया, पेशी एक बार आ गया, अगली बार पेशी भी नहीं आओगी उसमें, एकादम आओगी पेशी जो भाई काफी साल से जो भाई जिसका घर छुटवा होगा कि थोड़ा सा राम रोड़ा करेगा। अच्छा अच्छा एक एक ऑपरेशन बोल रखा था। हाँ, थिएटर के अंदर जा रही थी। अच्छा। और सोनीपत से माँ बाबा के पास आई, इन्होंने 125 रखवाया था, 6 साल हो गए, पेंडस कहाँ गई। अच्छा हाँ। कमाल हो गया, दिक्कत की बात है। या मेरे तो ले जच जा, इनके कौन जचा जो दर्शक देखने वाले जचा क्यों, नाम तो गांव के हैं। अच्छा हाँ। सोनीपत से आप आए, सोनीपत है हम यहीं के। अच्छा। लेकिन सोनीपत एडमिट थी, सोनीपत एडमिट थी। हाँ। और यहाँ 125 दरवा दिया, 125 रखवा 6 साल पहले। अच्छा पेंडस कहाँ गया, ऑपरेशन कौन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने भी हैरानी मानी। अच्छा हाँ, ये हमारी हकीकत की बात है, हम तो जो भी पूछना हो सरासत सच हो। अच्छा ये बोर लोग आगा बेरा नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तो नाम क्या है आपका? सावित्री। बाप बानू का सरपंच? हाँ सरपंच का। तो गांव का सरपंच तो क्या झूठ बोल रहा, यानी कि कुछ लेना हम ना, सही बात है, किसी को कुछ नहीं लेना, रिश्तेदार बताओ भाई ना, पाखंड बतान दे ना कुछ लेते। हाँ, किसी की श्रद्धा हो तो 10 रुपया चढ़ा दो ना मत चढ़ाओ, मत चढ़ाओ। कुछ मंगवाते भी नहीं, ये भी नहीं कहते भैया लिया या लिया, ये तो हम भी देखा भाई उरे देख लो, कोई वह 10 रुपया ही प्रसाद से वह चढ़ा होगा भाई, 20 किलो 50 किलो कोई वह चढ़ाव है, बाकी भाई 100 रुपये की पर्ची कटती है वो सबको पता है जो पहले नहीं वो, क्योंकि यहाँ पर 20-20, 30-30, 50-50 आदमी रात को रुकते हैं, खाना भी खिलाओ चाय भी पिलाओ है, बिजली भी चल रही, गर्मी आएगी कूलर चलेंगे 6, बिजली का खर्चा हो 10,000-15,000, तो भाई वो कहाँ से भरेगा बाबा, इसका ब्यूत को नहीं भाई इतना अपने देख लो ब्यूत, और तो कोठी भी नहीं पाओ, छैन में ज्ञान रह बाबा परला पास छैन में रहे, पूरा परिवार देख लिया होगा आपने। हाँ तो ये रहे पूरा परिवार रहता है यहाँ पर, सेवा करते हैं बच्चे, तो ये चीजें बहुत सी, पानी के कैंपर आओगे इतनी 50-60 कैंपर रोजाना ला गया करेंगे, तो वो आप ही कराएंगे व्यवस्था, मंदिर धर्मशाला गुरुद्वारा जो भी हैं ये धर्म दान पुण्य से चलती हैं, वहाँ पर करना चाहिए, भंडारे के लिए भी दान करना चाहिए हमें, तो यहाँ पर 100 रुपये की पर्ची दुख है कोनी आदमी के, एक तो नंबर टाइम पा जाए, ज़्यादा आदमी हो चाहे कितने हो अपने नंबर पा होगा, यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं चलती किसी की। हाँ हम तो उस पर दे के जाम है, बिल्कुल भंडारा। हाँ बिल्कुल बाबा वैसे कुछ नहीं। तो भाई यहाँ कोई सिफारिश कौन चला, बाबा बुला ले के मेरा दूर बैठे ने नू कह तू आ जा, वो बाबा की मर्जी है, लेकिन यहाँ किसी सिफारिश कौन चला भाई, नंबर पर चला है, बाकी आपस में बतला की चाहिए सारे नू कर ले भाई तूल वाले पहले तूल वाले वो अलग बात है। तो ये देखिए भाई हम दिखावांगे एक बार, झाड़ा लगाने लग रहे हैं, उसके बाद में अपने पूरी व्यवस्था आज की भूत प्रेत बाद आए या कैसे निकालते हैं वो दिखावांगे अपने। तो भाई हमारे पास और एक भगत बैठे हैं, इनसे भी बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम भाई साहब। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से रोहानी। तो यहाँ बाबा के दरबार में कब से आ रहे हैं? बाबा के दरबार में तो हो गए 15 साल। अच्छा हाँ। लगातार आ रहे हो? आते रहे। तो यहाँ कुछ खुशियाँ मिली, कुछ मिला यहाँ आने से? हमारे को तो सब कुछ मिला। सब कुछ मिला। हाँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम तस्वीर सिंह है। क्या क्या मिला जैसे यहाँ आप दरबार से जुड़े और अभी भी जुड़े हैं आप आ रहे हैं, तो कोई तो खास बात रही होगी? हमारे पास कई तो मकान है। अच्छा। और अच्छा कारोबार हमारा। अच्छा। और भगवान की ज्यादा दाल रोटी अच्छी मिल रही है। अच्छा। बाबा की हमें सुख शांति है बाबा की कृपा से। अच्छा। तो यहाँ बाबा जी हमारे भगवान है और क्या। अच्छा। हमारे देवता बाबा जी। चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे भाई कोई घर की घरेलू समस्या जैसे अभी कह रहे थे भाई, पुत्र भी प्राप्ति भी यहाँ से, धन की प्राप्ति भी, लक्ष्मी की प्राप्ति, जैसे बिजनेस में सभी कुछ में फायदा, सब कुछ बाबा जी से मिला हमें तो और क्या। अच्छा जी। हाँ हर चीज़ मिली हमें और क्या। अच्छा क्या बात। हाँ अगली पीढ़ी भी आराम से रोटी खा सकती है। अच्छा जी। हाँ जी। तो बहुत कुछ दे दिया बाबा जी ने भाई। यहाँ देखो ऐसे लोग जो हैं आते हैं दरबारों में, और ये सच्चाई है कि सच्चे मन से जहाँ आप जाते हैं तो इनको सब कुछ दे दिया कि अगली पीढ़ी भी बैठ के खा सकती है, हमें तो बाबा ने इतना दे दिया। तो यहाँ आने से 15 साल से लगातार जुड़े हैं,
पच्चीस तीस साल हो गए। अच्छा, बाबा जी ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं और बाबा जी का बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद, शुक्रिया। केला 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 केला